हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम लक्की पांडे में तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अब नौसठ 2022 का ऑलमोस्ट हमारा जो एग्जैक्ट डेट है वो आ गया है वो है ग्यारह सेप्टेम्बर रजिस्ट्रेशन चालू है अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फुल्ली तरीके से भर सकते हैं किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है उसकी वीडियो हम अपने चैनल पर डाल चुके हैं आई बटन के अंदर उसका भी लिंक होगा आप उसको जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से करना है ठीक है इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि अब हमारे पास एग्जैक्टली एक मंथ बचा हुआ है आज तारीख हो गई है दस कल रक्षाबंधन है मान लीजिए कल दो दिन हम मान के चलते हैं कि रक्षाबंधन ऑलमोस्ट त्यौहार है तो कहीं ना कहीं लोग बिजी रहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी बात है वो अपना तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं बाद में कि फेस्टिवल है हमें फेस्टिवल भी थोड़ा बहुत इंजॉय करना ही चाहिए तो हम एक्जैक्टली डेट मान के चल लेते हैं तेरह तारीख से कि अब तेरह तारीख से लेके अगर हम देखते हैं हमारा एग्जाम ग्यारह तारीख को है तो एक्जैक्ट हमारे पास एक मंथ भी नहीं है मतलब प्रॉपरली अगर हम देखते हैं अगस्त चल रहा है तो अगस्त थर्टी वन डेज़ का होता है इस हिसाब से हमारे पास ट्वेंटी नाइन से थर्टी डेज़ का टाइम है ठीक है तो हम अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं कि हमारे पास ट्वेंटी एट डेज है ठीक है अब इस ट्वेंटी डे एट डेज़ के अंदर हमारे पास क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास दो तीन पॉइंटों का हमें ध्यान रखना है सबसे पहला पॉइंट हमें कोई भी नई चीज़ नहीं उठानी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोई भी नई चीज़ नई बुक हो गई आप नई बुक ले लो नए सब्जेक्ट ले लो नया टॉपिक ले लो कुछ भी हमें नया नहीं उठाना अभी से एक महीने के अंदर हमने जिसको जो पढ़ना था पढ़ लिया है ठीक है हमें बिल्कुल भी अब कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है समझ रहे है? जिसने देखो तैयारी नहीं करी है वो तो अलग ही बात है वो तो फिर बेसिक्स स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम एक महीने के अंदर क्रैक कर सकते हैं तो पर जो ऑलरेडी कम से कम दो महीने से तीन महीने से या एक साल से छः महीने से तैयारी कर रहे हैं उनको कोई भी नई बुक नहीं उठानी है कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है कहीं से भी कुछ भी नया नहीं देखना है उनको सिर्फ लास्ट के एक महीने में मैं आपको एक की देता हूँ जो कि आपको नॉट सेट क्रैक करा देगा अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट हो तो अगर आप सेकेंड हो आप थर्ड अटैप्ट हो यही एक की है जो सबसे जरूरी है वो है रिविजन कि हमने जितना पढ़ लिया हमें उसको पक्का करना है बस अब मतलब मैंने दस क्वेश्चन करे बीस क्वेश्चन करे दो चैप्टर पढ़े पूरा नॉट का जो सिलेबस था उसे पढ़ लिया पी आर यादव पढ़ लिया या टारगेट हाई पढ़ लिया या नेकलैक्स पढ़ लिया जो सी बुक से भी किया है जो सी बुक से भी किया है आपने उस बुक को ही मुझे रिपीट करना है बार बार या उस बुक से ही मेरे को या मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं तो थ्योरी के लिए मुझे वही बुक रिपीट करनी है ठीक है बिल्कुल भी कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है नया टॉपिक नहीं पढ़ना है बार बार इस पे पॉइंट बना के मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है अगर हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो होगा क्या कि हमारा ध्यान चला जाएगा नए टॉपिक के ऊपर वो हमारे दिमाग को डाइवर्ट कर देगा हमारे दिमाग के साथ खेल जाएगा दिमाग के साथ इस तरीके से खेल जाएगा कि वो हमें ऐसा लगेगा कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है नोट सेट आने वाला है अभी तो ये भी टॉपिक रह गया अभी तो ये भी टॉपिक रह गया वो भी टॉपिक रह गया इसलिए कोई भी नया नहीं उठाना है हमने जो पढ़ा है हमारे लिए वही वैल्यूबल है हमारा सिलेक्शन उसी के अंदर हो जाएगा ठीक है तो हमें कोई भी नया टॉपिक नहीं उठाना है दूसरा जो मैं हमेशा से बोलता हूँ हमें इन अट्ठाईस दिन के अंदर कम से कम कम से कम नहीं भी तो अट्ठाईस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं अट्ठाइस मॉक देने हैं इसके लिए आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें आप कोई बुक लेना चाहें कहीं से भी कुछ भी लेना चाहें आप ले सकते हैं आप यू आर फ्री आपको कम से कम अट्ठाईस मॉक्स तो ज़रूर देने हैं रोज़ टाइम बना लेना है कि मैं दस बजे बैठूंगी एक बजे तक मैं पूरे के पूरे मॉक सॉल्व करूंगी पूरे तीन घंटे तीन घंटे की सिटिंग आपको लगानी है तीन घंटे की फुल सिटिंग पूरे तीन घंटे की इसकी हमें आदत डालनी है मैं बार बार मैंने जब तीन महीने की वीडियो बनाई तब भी ये बोला दो महीने की बनाई तब भी यही बोला बार बार यही कह रहा हूँ ये एक दूसरे नंबर की सक्सेस की की है कि हमें क्या करना है सैम्पल पेपर मॉक टेस्ट बनाने हैं सॉल्व करने हैं इस चीज़ से नहीं घबराना है हमें कि मेरे मौक में कम आ रहे हैं या मेरे 200 नंबर का मैं सही कर रही हूँ तो मेरे डेढ़ ही सही हो रहे हैं या मेरे सो हो रहे हैं इस चीज़ का नहीं कर रहे हैं हमें खाली आदत डालनी है अपने दिमाग को मैं बार बार कह रहा हूँ सारा खेल दिमाग का है हमें अपने दिमाग को आदत डालनी है कि मैं जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँ मैं जो सैंपल पेपर प्रैक्टिस करूँ वो मैं सैम्पल पेपर तीन घंटे के अंदर कर पाती हूँ क्योंकि हम देखते हैं लगातार तीन घंटे भी बैठ नहीं पाते हैं फिफ्टी टू सिक्सटी बच्चे ऐसे होंगे इसके अंदर जो लगातार तीन घंटे क्वेश्चन पेपर देने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठ ही नहीं पाते हैं तो हमें इस चीज़ की आदत डालनी है और वो क्या डालेंगे जब हम 28 के 28 दिन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे मोस्ट प्रॉब्बली जो नौसेट का टाइम होता है वो 10 से एक होता है या फिर एक के बाद होगा एक से चार होगा इस तरीके से या दो से पाँच होगा इस तरीके से तो आप कोई सा भी टाइम ले सकते हैं दस से एक ले लो दो से पाँच ले लो एक कोई फिक्स टाइम कर लो कि ठीक है मुझे इस टाइम पीरियड पर अपना नॉर्थ सेट का पेपर सॉल्व करना है एडमिट कार्ड आने के बाद तो क्लियर हो जाएगा तो एडमिट कार्ड आने के बाद अगर तो दस दिन बचे पाँच दिन बचे जो बचे उस टाइम पीरियड में तो आप उसी दिन उसी टाइम पर प्रैक्टिस करना है। जिस टाइम पीरियड पर आपका क्या कहते हैं एग्जाम का टाइम आया हो कि दो से पाँच है कि दस से लेकिन अभी आप कोई सा भी टाइम एक बना लो दस से एक मोस्ट प्रॉबली दस से एक होते हैं कैंडिडेट्स के, के तो आप दस से एक का टाइम लेके उसके अंदर आपको टू हंड्रेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं नॉर्थ सेट पैटर्न के ऊपर फुल ऑन प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आपको सिर्फ उसकी गलतियां मार्क करनी है कि मैंने ये गलती करी है और जो गलती आपने करी है जो गलती आपने करी है जिस टॉपिक से उस टॉपिक को रिवाइज करना है पूरा उस टॉपिक को पूरा रिवाइज करना है ठीक है ये एक मेयर पॉइंट है कि जिस भी टॉपिक से आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ है उस टॉपिक को आपको पूरा रिवाइज करना है उस दिन ठीक है तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस लास्ट दो महीने की हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है अब अब हमारे पास टाइम बहुत कम है अगर हम ज़्यादा दिमाग अगर खर्च करते हैं ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट करेंगे या ज़्यादा कहीं पे दिमाग लगाएंगे तो वो हमारा नेगेटिव में जाएगा हमें बेनिफिट नहीं देगा सारा नेगेटिव में चला जाएगा हमको कोई भी बेनिफिट नहीं देगा तो हमें कुछ फॉलो नहीं करना है सिंपल दो रूल रखने हैं मैं आपको यहाँ पर सिंपल दो रूल बता रहा हूँ सिर्फ ये दो रूल फॉलो करके आपका नॉर्थ सेट के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा और जोन सा कॉलेज आपको चाहिए ड्रीम वही मिलेगा आपको आपको कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं पहला यही कोई भी नई चीज़ को नहीं उठाना है ट्राई नहीं करना है हर दिन का फिक्स टाइम टेबल बना लेना है कि मुझे एक से दो चैप्टर जो मैंने पढ़े हैं और जहां से मैंने पढ़ रखे हैं वहीं से मेरे को रिवीजन करनी है उस चीज की बार बार रिवीजन करना है जो आपने पढ़ रही है नोट्स बना रखे हैं या जहां से भी आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था वहां से आपको रिवीजन करना है रिवीजन के लिए आप अपने पैटर्न के हिसाब से अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से जो है बना सकते हैं कि मैं आज एक चैप्टर को रिवीज़न कर सकता हूं दो चैप्टर को कर सकता हूं तीन चैप्टर को कर सकता हूं क्योंकि ऑलरेडी आप दो तीन महीने से तैयारी करते आ रहे हो आपको अपना टाइम पता चल गया होगा कि मैं कितने टाइम में एक टॉपिक खत्म कर सकता हूँ और ठीक है और अगर आपने दो तीन महीने से करते हैं इसका मतलब है कि आप एक से दो बार उस टॉपिक को खत्म कर चुके हो तो आप रिविजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो आप एक दिन में दो दो तीन तीन टॉपिक उठा लोगे आराम से और खत्म कर सकते हो मैं ऑलरेडी टॉपिक बताया आपको कि हमारे पास टॉपिक लिमिटेड ही है इसके अंदर बाइस से तेईस ठीक है उन्हीं को हमें करना है तो उनको हम क्यों नहीं कर सकते हम दो से तीन बार भी कर सकते हैं अगर हम ऑलरेडी उसको एक बार कर चुके हैं तो तो हमें क्या करना है सिर्फ रिवीजन कर लिया और कहाँ से करनी है जहां से हम ऑलरेडी कर चुके हैं जहाँ से मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ जहां से हम ऑलरेडी कर चुके हैं हमें वहीं से करनी है हमें कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं उठानी है एक्स्ट्रा बुक नहीं उठानी है कोई भी कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं उठानी है ठीक है दूसरा हमें रोज़ एक मॉक टेस्ट जरूर देना है मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व करना है जो कि आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा एग्जाम के ड्यूरेशन में आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा ये ठीक है अगर मान लीजिए हमारे पास अट्ठाईस दिन है अगर हम अट्ठाईस मॉक यहाँ से सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली वो उनतीस दिन हमें फ़ायदा करेगा और जो भी हमने मॉक टेस्ट में गलती करी है हमें उसे नोट करना है और उस पूरे टॉपिक को रिवीजन करनी है अच्छे से क्योंकि हम ऑलरेडी उस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके हैं तो अगर हम रिवीजन करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं तो हमें जो भी गलती करिए गलतियां नोट करनी है मैं बार बार एक चीज कह चुका हूँ आपको सेलेक्शन क्यों होगा क्यों तो नहीं हो पाता है क्योंकि हम गलती करते हैं पेपर में जाके चाहे वो गलती टाइम मैनेजमेंट से हो चाहे वो गलती है टाइम मैनेजमेंट कैसे मैंने हो जाएगा रोज़ हम तीन घंटे का सेट लगाएंगे टाइम मैनेजमेंट हो गया गलतियों को कैसे कम करेंगे अगर हम अपनी गलतियों को लिखते हैं जो हम मॉडल टेस्ट पेपर में कर रहे हैं और उसको रिविज़न करते हैं हमारी गलतियाँ कम हो जाएंगी अल्टीमेटली ये दो गलतियाँ हमारी जो हम ऑलमोस्ट हमारा जिसके वजह से एट्टी टू नाइन्टी परसेंट बच्चों का पेपर नहीं हो पाता है वो अगर हमने कर लिया तो ऑटोमेटिकली सबका पेपर क्लियर हो जाएगा जितने भी बच्चे हैं जो इस बात को सीरियस लेंगे काफ़ी बच्चों का मैसेज आता है मेरे पास कि सर हमने आपकी दो महीने वाली तीन महीने वाली स्टेटिज करी और हम आज अपने अंदर इंप्रूवमेंट देख रहे हैं कि हम आज बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर और हमारे नंबर भी डेढ़ सौ एक सौ साठ रहा है तो आप इस चीज़ को फॉलो करके देखो क्या करना है आपको सिर्फ दो ही चीज़ लास्ट एक महीने के अंदर मैं बता रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ रिपीट करने के लिए आपको कि कोई भी नई चीज़ नहीं उठानी है जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है उसी से आपको दोबारा पढ़ना है रिविज़न करना है रोज एक मॉक जरूर सॉल्व करना है और उस मॉक से आपको गलतियाँ नोट करनी है गलतियाँ नोट करके बनानी है और उस गलती का रिविज़न करना है उस गलती का रिविज़न करना है आप उस गलती का रिवीज़न करेंगे आपकी गलतियाँ ऑटोमेटिकली सही होंगी आपकी गलतियाँ सही हो गई आपका सिलेक्शन हो गया सिंपल फंडा है निकालने का मैं आपको बार बार बता चुका हूँ गलतियाँ सही करो अपनी गलतियाँ निकल गई आराम से सिलेक्शन हो जाएगा कहीं फंसने की ज़रूरत नहीं कोई परेशानी की जरूरत नहीं कोई भी जीतनी और यही करना है आपको अपनी गलतियां ढूंढनी है अपनी गलतियां को रिवाइज़ करना है अपनी गलतियों को सही करना है और सिलेक्शन हो जाएगा चाहे वो अगर आप अभी से भी लेके बैठते हो ना कि एक महीने के अंदर मैं निकालना चाहता हूँ और आप ये चीज़ फॉलो करते हो कि ठीक है एक मैंने बुक उठा ली पढ़ने के लिए दूसरा मैं मोक टेस्ट दूंगा मोक टेस्ट में जो मेरी गलती होगी मैं उस गलती को नोट करूंगा आप देखोगे अभी भी आप आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो बस दो ही फंडे हैं कोई भी हमें नई चीज़ नहीं उठानी है सबसे पहले जो हमने पुरानी चीज़ पढ़ी है उसको रिविजन करना है प्लस हमें रोज़ एक मोक बनाना है मोक के अंदर से गलतियां ढूंढनी है और हमें उन गलतियों को नोट करके उन्हें रिविज़न करना है उन गलतियों को सही करना है बस इतना करना है एंड देट द नॉट सेट क्लियर नोट सेट दो में आपको आपकी मन चाहिए सीट मिल जाएगी एंड दैट्स द की टू सक्सेस ये दो की है सक्सेस के बस नोट सेट के अंदर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बस तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपको इससे सीखने को मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूँ इसको जो भी स्टूडेंट फॉलो करेगा उसको अपने आप ही फर्क दिखेगा वो कल को अपने आप ही मेरे को आके बोलेगा सर मैंने आपका स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी और आज मेरे बहुत बढ़िया नंबर आए हैं नॉर्ट सेट के अंदर थैंक यू थैंक यू सो मच इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बस एक महीने एक महीने के अंदर नोट सेट को फाड़ देना है बस किसी भी तरीके से और हम ये कर सकते हैं हमारे अंदर है इतना कॉन्फिडेंस जब हमने दो तीन महीने से मेहनत करी है तो हम ये चीज जरूर कर पाएंगे इतना भरोसा रखना इतना मोटिवेटेड आपको हमेशा रहना है